नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। जनादेश यानी पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। जनादेश में बात होगी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट, साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत राज्यों में मौजूद अपने संवाददाताओं से। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। और अब सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा चुनाव की। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे, वहीं मिजोरम विधानसभा चुनाव की सभी 40 सीटों के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस चरण में प्रदेश की 90 में से 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में प्रदेश के 40,78,681 मतदाता कुल 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 200 संगवारी मतदान केंद्र हैं, जहां सिर्फ महिला मतदान कर्मी ही मौजूद रहेंगी। सिक्योरिटी सुनिश्चित करना सबसे बड़ा हमारा दायित्व है, जिससे लोग निर्भीक होकर के आकर के वोट कर सके। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कुछ भी न छूटे और लोग बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में वोट कर सके। मैडम, जैसे रहे हैं उनका डायरेक्ट जो है, आप आयोग की वेबसाइट पे आप डायरेक्ट वेबकास्टिंग देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी वहाँ पे रख रहे हैं। और आप जैसे देख सकते हैं कि हमने इस दौरान मतदाता जागरूकता का भी बहुत प्रयास किया है हमने लोगों को ये समझाने के लिए कि, और आपके माध्यम से हम ये बार बार बताते भी रहे हैं कि सुरक्षा की व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद हमने कर ली है, जिससे वो लोग बिल्कुल आश्वस्त रहे कि वो भयमुक्त वातावरण में आकर के वोट कर सकते हैं। प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक और 10 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इनमें पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोटा विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। नक्सल संवेदनशीलता के आधार पर 600 से अधिक मतदान केंद्र में स्पेशल फोर्सेस तथा सीएपीएफ तैनात की जा रही है। अन्य मतदान केंद्र में भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल तथा स्थानीय पुलिस बल को तैनात करके चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से संपादित करने के लिए सभी इंतजाम की गई है। हम क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहते हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करना हम सबके संयुक्त जिम्मेदारी है। वहीं मिजोरम में विधानसभा की सभी 40 सीटों के लिए भी मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य में 4,39,026 महिलाओं सहित 8,57,000 से अधिक मतदाता 174 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य में 40 विधानसभा सीटों के लिए 1,276 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। Then we have 30 critical polling stations, including one vulnerable polling station. I would like to mention that because of the difficult geographical terrain of the state, there are 22 polling stations which are not having motorable routes. मिजोरम में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगभग 30 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित किया गया है। बांग्लादेश और म्यांमार से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 3,000 पुलिसकर्मी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 5,400 कर्मी तैनात किए गए हैं। As far as the security situation is concerned, Mizoram remains a peaceful state. And we expect that the polling process tomorrow will be peaceful and incident-free without any problem. छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है, वहीं मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपुल्स मूवमेंट, कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबले की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में बाकी बची 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। रायपुर से मनोज सोनो ने
और आइजोल से विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट डीडी न्यूज के लिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान को लेकर क्या है तैयारियां, इसे लेकर राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले से बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने। छत्तीसगढ़ के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों के लिए खास इंतजाम किए हैं। निष्पक्ष भयमुक्त वातावरण में निर्विघ्न चुनाव संपन्न कराने के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले हमारे साथ हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काफ़ी चुनौतियां भी हैं। हमारे पास केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य के जो सुरक्षा बल हैं, इन दोनों के समन्वय और तालमेल के साथ पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के बीच जो है ये चुनाव होंगे। नक्सली रूप से संवेदनशील ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र इन विधानसभा में आता है और केंद्रीय सुरक्षा बलों का हमने बहुत पहले से एडवांस डिप्लॉयमेंट यानी तकरीबन 8 सप्ताह पूर्व किया था। अनेक ऐसे जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए भी मतदान कर्मियों को पहुंचाया जा रहा है। क्या कुछ अन्य विशेष इंतजाम किए गए हैं और क्या कुछ पोलिंग स्टेशन पर महिला कमांडोज भी नियुक्त की गई? संगवारी मतदान केंद्र या पिंक बूथ की भी स्थापना की गई है, तो लगभग 200 मतदान केंद्र पूर्णतः पिंक बूथ रहेंगे। यहाँ पर पूरी महिलाएं ही मतदान कर्मी रहेंगी। सुरक्षा के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनको भी महिलाओं को ही तैनात किया गया है और दिव्यांग मतदाताओं के द्वारा पूर्णतः संचालित ऐसे 20 पोलिंग बूथ भी रहेंगे। तो देख सकते हैं कि पहले चरण के मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल है। लोकतंत्र का महापर्व है, सबसे यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें, नया कीर्तिमान गढ़ें और नए अपने क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करते हुए अपना भविष्य भी गढ़ें। कैमरा पर्सन उज्ज्वल के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़, रायपुर। और मिजोरम विधानसभा की सभी 40 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए यूनिक मतदान केंद्र भी बनाए हैं। ऐसे ही एक मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह ने, साथ ही उन्होंने मिजोरम में चुनाव आयोग की ओर से मतदान की तैयारियों को लेकर भी जानकारी दी। सात तारीख को होने वाले मतदान के लिए मिजोरम पूरी तरह से तैयार है। भयमुक्त एवं निष्पक्ष मतदान के लिए 60% से ज्यादा पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं प्रदेश भर में जहां पर की वेबकास्टिंग की जा रही है। इसके अलावा जो है प्रदेश की जो सीमाएं हैं उनके साथ लगते जो राज्य हैं उनमें सुरक्षा इंतजाम के लिए जो है बैठकें की गई हैं। साथ ही साथ पोलिंग स्टेशन पर की अगर बात की जाए तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। इस समय मैं जहां मौजूद हूं ये एक यूनिक पोलिंग स्टेशन है। यहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। इसको वेटिंग रूम यहां पर कहा जाता है कि लोग यहां पर बैठकर जो है अगर लाइन लंबी है तो इंतजार कर सकते हैं। इसके अलावा इस यूनिक पोलिंग स्टेशन पर जो है क्रच का सिस्टम भी है। इसके अलावा इस यूनिक पोलिंग स्टेशन में जो है पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और रैंप की व्यवस्था, तमाम इस प्रकार की जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं वो यहां पर की गई है। पूरे जिले में जो है आजवाल जिला है उसमें 2 यूनिक पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है महिलाओं के द्वारा जो ऑपरेटेड पोलिंग स्टेशन होते हैं ये उनसे अलग होते हैं, तो ऐसे में लोगों को जो है मतदान का जो दिन है वो एक उत्सव की तरह लगे, इसकी जो है तमाम तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए जो है सिंबल बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से आप की तमाम तैयारियां जो है लोग बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले इसके प्रयास किए गए हैं। मिजोरम का जो इतिहास रहा है वो हमेशा ही हाई पोलिंग परसेंटेज का रहा है, लेकिन सुरक्षा इंतजाम और भयमुक्त वातावरण में मतदान करने के लिए चुनाव आयोग की तमाम तैयारियों के चलते इस बार मतदान कितना प्रतिशत जाता है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन ललित कुमार के साथ विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, आइजोल।
तो क्या कुछ है चुनावी तैयारियां और क्या कुछ है चुनावी घमासान, यही जानने के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं और विक्रम हमारे साथ मिजोरम से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे प्रथम चरण का जो चुनाव है किन मायनों में अहम है और किस तरह यहाँ पर रहा पूरी अवधि के दौरान चुनावी वादों, दावों और मुद्दों का घमासान। जी रमा, अगर देखें तो निश्चित तौर से बेहद महत्वपूर्ण है। दुर्ग संभाग की 8 सीटें और बस्तर की 12 सीटें, 20 सीटों पर मतदान होना है कल, और पूरी ताकत सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कांकेर में हुई, दुर्ग में हुई, और उसके अलावा अमित शाह समेत अन्य कई केंद्रीय मंत्रियों ने रैली की इस पूरे क्षेत्र में। राहुल गांधी ने भी कांग्रेस की तरफ रैली की, उन्होंने प्रचार का कमान संभाला और काफ़ी गहमागहमी रही चुनाव प्रचार के दौरान। अब सबसे बड़ी बात है ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को घर से निकलकर इन सभी क्षेत्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग करना, जिसके मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 5,300 के आसपास मतदान केंद्र हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा, तकरीबन 2,400 से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा की गई है। जो अंदरूनी इलाके हैं, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदरूनी इलाके हैं, वहाँ पर तकरीबन 159 मतदान केंद्रों पर लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए, मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा गया, जिस तरीके से किसी तरीके का दखल, किसी तरीके का खलल इसमें न पैदा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में और अंदरूनी इलाकों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बहुत सारे मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया है। हाँ, एक बात यह है कि 2018 के चुनाव में जहां इनकी संख्या 196 थी जिन मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया है, वो कम होकर 149 आए हैं, यानी कि काफ़ी बेहतर स्थिति में अभी यहाँ पर है मतदान कर्मियों की संख्या और साथ ही साथ व्यवस्था। बस्तर का जो इलाका है, बस्तर संभाग की 12 सीटें और जैसा मैंने बताया 8 सीटें, इन 20 सीटों में 10 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होगी, 3 बजे तक चलेगी। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से अगर देखें तो मोहला मानपुर का इलाका है, विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, इसके अलावा दंतेवाड़ा, कोंटा और बीजापुर, ये 10 सीट ऐसी है जहां पर सुबह 7 बजे से मतदान होगा और 3 बजे तक ये संपन्न हो जाएगा। राजनंदगांव, खुज्जी, पंडरिया, इस तरीके के जो अन्य दुर्ग संभाग के मैक्सिमम सीटें हैं वो 10, उनमें जो है बस्तर क्षेत्र की जगदलपुर और बस्तर सीट, इन दोनों पर भी, और अन्य सीटें जो है खुज्जी और वहाँ की, पंडरिया, राजनंदगांव की, यहाँ पर 8 बजे से मतदान शुरू होगा और ये 5 बजे तक चलेगा। सारी तैयारियाँ मुकम्मल है। अब उम्मीद ये है कि पिछले चरण में अगर इन सीटों की बात करें, 76% से ज़्यादा मतदान हुआ था, तो और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता घरों से निकलेंगे, अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने मनपसंद प्रत्याशियों को चुनेंगे। रमा, बिल्कुल विक्रम, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे अगर मिजोरम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो चुनाव प्रचार है वो भी यूनिक होता है, इसके अलावा जो चुनावी लड़ाई है वो भी कुछ अलग हटके है, यूनिक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, किस तरह से है तैयारियाँ, क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जहाँ तक चुनाव प्रचार की बात करें तो पूरे भारत में जिस प्रकार से स्टार कैंपेनर्स के द्वारा राष्ट्रीय पार्टियों के चुनाव प्रचार किया गया है, बड़ी बड़ी रैलियां की गई हैं, यहाँ कार्यक्रम तो इस प्रकार के हुए हैं, लेकिन अगर बड़ी रैलियों की बात करें तो ऐसा बड़ी रैलियाँ देखने को नहीं मिली पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो या सत्ताधारी MNF की बात हो या फिर ZPM की बात हो, लेकिन यहाँ पर जो डोर टू डोर कैंपेन के ऊपर जो है ज़्यादा जोर दिया आता है, बहुत सारी शोर शराबा सड़कों पर देखने को नहीं मिलता है, या बहुत सारे पोस्टर, बैनर, झंडा, झंडे वगैरह, ये तमाम चीजें जो है यहां पर देखने को बहुत कम संख्या में, बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। लेकिन अगर कुल मिलाकर अगर बात की जाए, पोलिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए, तो पोलिंग परसेंटेज जो है यहां बहुत हाई रहता है, 80% के तकरीबन जो है पोलिंग परसेंटेज जो है पिछली बार रहा है, तो ऐसे में इस बार जो है कितना पोलिंग परसेंटेज होता है, पिछली बार का रिकॉर्ड टूटता है, अगली बार इस बार नया रिकॉर्ड बनता है या फिर उतना ही रिकॉर्ड रहता है, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव आयोग के द्वारा इसके लिए काफी प्रयास किए गए हैं, उनके द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, वोटर्स को सिक्योरिटी मिले पोलिंग बूथ के ऊपर, इसके लिए जो है तमाम प्रयास किए गए हैं, केंद्र से सुरक्षा बल यहां पर है ताकि जो पोलिंग स्टेशन है उसकी सुरक्षा हो सके, इसके अलावा वेबकास्टिंग की गई है, 60% के करीब जो है पोलिंग स्टेशन
लोकेशन ऐसे हैं जहां पर कि वेबकास्टिंग की गई है, तो तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है यहां पर, तो कल संडे था, इसके उसके बावजूद जो है यहां पर जो है ईवीएम कल भी रवाना की गई हैं, जो दूर दराज के इलाकों में जाना था, जो वापस कल वोटिंग है और कल वापस नहीं आ पाएंगे, उनके रहने की जिस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है क्योंकि 4 बजे तक मतदान है, तो किस प्रकार से व्यवस्था हो सकती है, उसके साथ साथ उनको किस प्रकार से वहां सुरक्षा दी जा सकती है, इसके तमाम इंतजाम किए गए हैं। वाटरवेज क्योंकि से भी जो है गांव तक किस प्रकार से पहुंचा जाए, ईवीएम मशीन वहां पर पोलिंग बूथ बनाए गए, उसकी तो तमाम इंतजाम जो है। बिल्कुल, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर केवल पानी के जरिए ही पहुंचा जाता है। अश्विनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे, जो प्रथम चरण का मतदान है कई मायनों में अहम है, संवेदनशील इलाके तो हैं ही, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, कौन कौन से ऐसी प्रमुख सीटें हैं जिन पर सबकी नजरें हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सीट अगर देखें तो राजनांदगांव की पड़ती है, जहां पर डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के रहे हैं। इसके अलावा दुर्ग संभाग की कई अनेक सीटें हैं जहां पर कई यहां के मंत्री और अन्य प्रत्याशी हैं। कांकेर कोंटा भानुप्रतापपुर, यहां से वर्तमान राज्य सरकार के कई मंत्री अगर देखें तो आबकारी मंत्री वो हैं। जगदलपुर, बस्तर, बीजापुर, इन सब क्षेत्रों में भी प्रत्याशियों का अदला बदली कहीं ना कहीं हुई है प्रत्याशियों में, तो अलग अलग प्रत्याशियों पर राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, पहले के प्रत्याशियों के बदले नए प्रत्याशी, तो वहां पर भी एक स्थिति इस तरीके की बनी हुई है कि नाराज प्रत्याशियों द्वारा कहीं ना कहीं चुनौती अपनी ही पार्टी के लिए खड़ी की जा रही है। सभी प्रमुख सीटों में अगर बात करें तो मुख्यतः अगर बस्तर संभाग की और दुर्ग संभाग की सबसे महत्वपूर्ण सीट अगर होगी तो राजनांदगांव सीट होगी, और उसके लिए काफ़ी तैयारी और पूरी ताकत जो है भाजपा ने झोंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जो है दुर्ग में रैली की, उसके बाद बम्बलेश्वरी देवी की शक्तिपीठ है, एक जैन मुनि का मंदिर है, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचन कार्य और प्रचार कार्य से इतर जाकर उन्होंने वहाँ पर दर्शन किए। और सबसे अगर देखें इन सीटों में तो सबसे ज़्यादा सबकी नज़र जी सबसे ज़्यादा सबकी नज़र होगी डॉक्टर रमन सिंह के सीट पर, जो कि राजनांदगांव सीट है। जी अश्विनी, बहुत शुक्रिया। विक्रम, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जनादेश में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं, गोल्डी मसाले। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? एक महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया, अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। खास बात यह है कि इस बार नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के 120 गांवों के 35,000 मतदाताओं को आजादी के बाद पहली बार अपने ही गांव में मतदान का मौका मिलेगा। साथ ही इस बार के चुनाव में बस्तर संभाग के अति संवेदनशील क्षेत्रों में महिला कमांडोज की भी तैनाती की गई है।
जगदलपुर से करीब 65 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर तुलसी डोंगरी पहाड़ियों की तलहटी में बसा चांदामेटा गांव, नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले इस गांव के मतदाताओं को मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अब पहाड़ियों और नालों को पार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बार इनके गांव में ही मतदान केंद्र बना दिया है। साथ ही प्रदेश के नक्सल गढ़ माने जाने वाले इलाकों में 126 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिससे 120 गांव के 35,000 मतदाता अपने गांव में ही वोट डाल सकेंगे। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना में वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में हमने लगभग 126 नया मतदान केंद्र बस्तर संभाग के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है। लगभग 120 से अधिक नवीन मतदान केंद्र बस्तर संभाग के अंतर्गत स्थापित की जा रही है, जिसमें मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में आकर अपना मताधिकार प्रयोग करने की उनका सुविधा उपलब्ध की जा रही है। बस्तर क्षेत्र में पहले चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह है कि बस्तर में होने वाले पहले चरण के चुनाव में महिला कमांडोज की भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती की गई है। इन्हें दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी फाइटर्स और सुकमा में दुर्गा फाइटर्स के नाम से जाना जाता है। इस समय बहुत ही अच्छा तैयारी है हमारे DRG में और कमांडो में, बहुत ही जुनून दिख रहा है जिसे चुनाव संपन्न कराया जा सकता है। पूरी तरीके से तैयार है हमारी महिला कमांडो और हमारी DRG पूरी तरीके से तैयार है चुनाव कराने के लिए। हर अंदर अंदर गांव में जितना अधिक से अधिक हो सके चुनाव कराने के लिए तैयार है। बस्तर के IG सुंदर राज पी बताते हैं कि इन महिला कमांडोज की तैनाती से स्थानीय महिलाओं और युवतियों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। यही वजह है कि इस बार विधानसभा चुनाव में इन महिला कमांडोज की ड्यूटी नक्सल पीड़ित इलाकों में लगाई गई है। खासतौर पर इस बार महिला बल सदस्य का जो भूमिका काफ़ी एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। हमारे पास बस्तर फाइटर में भी है और DRG में भी महिला कमांडर्स है। उदाहरण स्वरूप दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी फाइटर्स है, सुकमा में दुर्गा फाइटर्स, इस प्रकार ट्रेंड महिला कमांडर्स हमारे पास उपलब्ध है। उनका भी मतदान संबंधित समस्त प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी, ताकि जैसे मतदाता को भी हम एक कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में उनका विश्वास दे सकता है। उम्मीद है कि चुनाव में इन महिला कमांडोज की तैनाती से न सिर्फ अंदरूनी इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो सकेगा, बल्कि इन्हें देखकर गांव की महिलाएं भी चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान कर सकेंगी। बस्तर से DD न्यूज के लिए सोमेश पटेल की रिपोर्ट। और अब बात छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे मतदान केंद्र शेराडांग की, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। घने जंगलों के बीच ये है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का शेराडांड गांव। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले इस गांव में 3 घरों में सिर्फ 5 मतदाता हैं। इनमें 3 पुरुष और 2 महिला मतदाता हैं। हम लोग 3 घर हैं और 5 मतदाता हैं। इनके लिए चुनाव आयोग अब तक अस्थाई मतदान केंद्र बनाता रहा है। खास बात ये भी है कि हर बार यहाँ 100% मतदान होता है। वर्तमान में हमारा प्रयास है और जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश में है कि कोई भी जो मतदाता है वो इस प्रक्रिया से छूटना नहीं चाहिए। इसी क्रम में इस बार भी हम सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पे जो 5 हमारे मतदाता हैं वो इस बार जो चुनावी प्रक्रिया है वो उसमें अपना योगदान प्रदान करें। इस मतदान केंद्र की एक विशेष बात ये भी है कि ये हमारा मुख्यालय से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जो हमारे मतदान दल होता है उसको 15 किलोमीटर वहाँ पर ट्रैक्टर से और उसके बाद 3 किलोमीटर वहाँ पर पैदल चल के इस मतदान केंद्र पे जो अस्थायी रूप से हम बनाते हैं वहाँ पे ये दूरी तय करनी पड़ती है और हम आशा करते हैं कि इस बार भी वहाँ पे 100% जो मतदान है वो होगा। 15 साल पहले 2008 में शेराडांड मतदान केंद्र तब सुर्खियों में आया जब यहाँ केवल 2 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र एक झोपड़ी में बनाया गया था। यही है हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती और इसमें नागरिकों के मताधिकार का महत्व। DD न्यूज के लिए नीलेश तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश में एक बार फिर BJP की सरकार बनेगी, ऐसा दावा किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है और कांग्रेस के नेता अपने अपने बेटों को राजनीति में सेट करने में लगे हुए हैं।
मध्य प्रदेश की राजनीति पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ खास बातचीत की टीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने। अगर सत्ता में वापसी करती है तो आने वाले 5 साल मध्य प्रदेश के कैसे रहेंगे? अगर क्यों, हम आ ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विशाल बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। अच्छा, आप देखें, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, जय वीरू और श्यामू छेनू ये चुनाव में देखने को मिल रहा है। ये तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये जय वीरू है, हम उनका असली नाम काहे को छुपा रहे हो, नकली सूरत काहे को सामने ला रहे हो। असली नाम वही छुपाता है जिसने गड़बड़ की होती है। इन्हें मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप किया है, तो जय कह रहे हैं, कभी वीरू कह रहे हैं। और जय वीरू तो मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि वो तो जेल जाते थे और जेल से आते थे। दूसरा सर, अगर आप देखें कि जिस तरह से जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, वो कौन कौन से मुद्दे हैं और जो मध्य प्रदेश का चुनाव है किन मुद्दों के आधार पर लड़ा जा रहा है? विकास और जन कल्याण दोनों ही मुद्दे हैं हमारे। अद्भुत और अभूतपूर्व विकास किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी और ग्रामीण विकास, टूरिज्म, निवेश, हर क्षेत्र में काम हुआ है, वो मुद्दा है। और जनता के हर वर्ग के कल्याण के काम किए हैं। हमारी बहनें, गरीब, किसान, नौजवान, बच्चे, हमारा कमजोर वर्ग, सबके कल्याण के काम किए, उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ को पीस दिया है, तो ये किस आधार पर और कैसे? ये तो आपस में एक दूसरे को पीस रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, अपने अपने पुत्रों को स्थापित करने में लोग लगे हुए हैं। तो इंडी गठबंधन में भी दरार है, पहले नीतीश कुमार, पहले अखिलेश यादव, अब नीतीश कुमार, बनने के पहले ही इंडी गठबंधन टूट गया है और कांग्रेस के अंदर भी संघर्ष मचा हुआ है। दूसरा, जो कांग्रेस के जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा में मिलके लड़ेंगे, भले ही अभी जरूर थोड़ा सा बिखराव दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षा है? ना इनके विचार मिल सकते, ना इनके दल मिल सकते, ये तो डरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से। ये डरे हुए हैं, इनने जो पाप भ्रष्टाचार किए हैं, तो अब कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि पीएम ने कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसलिए डरे हुए लोग इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी इकट्ठे नहीं हो पाते। आखिरी सवाल, क्या मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ चुनाव के बाद? हमारी पार्टी तय करती है जी, हमारा काम नहीं है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो बता रहे थे कि विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और आने वाले समय में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज मध्य प्रदेश। इसके साथ ही जनादेश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।